Hello friends, welcome to your own channel Botany by Dr. Jaswinder Kaur. Today I am going to start a new series of 200 most important MCQs of bacteria. These are very important for all competitive exams. So without wasting time, let's start. Match the following pairs. अब इस क्वेश्चन में हमें इन दोनों कॉलम्स को मैच करना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, और यहाँ कुछ बैक्टीरिया दिए गए हैं, हमें बताना है कौन से बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे. अमंग दीज एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम, ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे. देन नाइट्रिफिकेशन में जो बैक्टीरिया हेल्प करेंगे दे आर नाइट्रोसोमोनस एंड नाइट्रोबैक्टर. आफ्टर दिस डीनाइट्रिफिकेशन में जो हेल्प करेंगे बैक्टीरिया दीज आर थियोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास. सो द करेक्ट ऑप्शन अमंग दिस इज ऑप्शन डी. फूड पॉइजनिंग जो है वो किस बैक्टीरिया की वजह से होती है? इट इज क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम की वजह से फूड पॉइजनिंग होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? अब इसमें से फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है दैट इज एजोटोबैक्टर, यही है जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है. मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग्स टू द ग्रुप, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो सब बिलोंग करते हैं टू ग्रुप आर्की बैक्टीरिया. Which of the following is a free living anaerobic bacteria capable of nitrogen fixation? अब इसमें से हमें बताना है कौन सा ऐसा free living anaerobic bacteria है जो कि capable है in nitrogen fixation also. So among these is Clostridium, जो कि free living anaerobic bacteria भी है और ये nitrogen भी fix कर सकता है. बैक्टीरिया बियरिंग ए टफ्ट ऑफ फ्लैजला ऑन बोथ द पोल्स आर कॉल्ड, ऐसे बैक्टीरिया जिसके दोनों पोल्स पे टफ्ट ऑफ फ्लैजला होता है, यानी एक बंच ऑफ फ्लैजला होता है, तो इसे हम बोलते हैं एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया. एम्फी मीन्स बोथ. द जेनेटिक मटीरियल इन द सेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन. अब इसमें से किस में जेनेटिक मटेरियल जो है इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं है जेनेटिक मटेरियल. सो दैट इज स्यूडोमोनास में क्यों? क्योंकि ये एक प्रोक्रियोटिक बैक्टीरिया है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय बैक्टीरिया? अब इसमें से जो डिजीज बैक्टीरिया से कॉज होता है दैट इज ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस किस वजह से होता है? ड्यू टू बैक्टीरिया. एन ऑटोक्लेव इज यूज फॉर, ऑटोक्लेव को हम यूज करते हैं फॉर द स्टेरिलाइजेशन पर्पज. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द बैक्टीरियल सेल वॉल? अब हमें इसमें से स्टेटमेंट ढूंढनी है दैट इज नॉट ट्रू फॉर द बैक्टीरियल सेल वॉल. फर्स्ट इज इट इज मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज ट्रू, वो म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया. इट इज नॉट एंटीजेनिक, वो नॉन एंटीजेनिक होती है, दिस इज ऑल्सो ट्रू. इट गिव्स शेप टू द बैक्टीरियल सेल, अब सेल वॉल है तो वो बैक्टीरियल सेल को शेप भी प्रोवाइड करती है. देन इट डज नॉट हैव सेल्यूलोज, अब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज बैक्टीरियल सेल वॉल ऑल्सो कंटेन्स सेल्यूलोज. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियल पैथोजन? अब हमें इसमें से बताना है कि कौन सी ऐसा डिजीज है जो कि बैक्टीरियल पैथोजन की वजह से होता है. एंड अमंग दिस इज फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, यही है जो बैक्टीरियल पैथोजन की वजह से कॉज होता है. फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल इज कॉज बाय बैक्टीरियल पैथोजन. बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रोजन इज कॉल्ड, जब नाइट्रेट से नाइट्रोजन फॉर्म होती है ड्यू टू बैक्टीरियल कन्वर्जन तो उसे हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज बायो इंसेक्टिसाइड? अब इसमें से हमें बताना ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कि यूज होता है एज बायो इंसेक्टिसाइड्स. So among this is Bacillus thuringiensis that is used as a bioinsecticide. Bioinsecticide की तरह use होता है Bacillus thuringiensis. Respiratory enzymes in bacteria are located in on. जो respiratory enzymes होते हैं bacteria में they are located on the cell membranes. Cell membrane पर locate होते हैं respiratory enzyme in bacteria. Which one of the following diazotroph is a photoautotrophic and an anaerobic? अब हमें इसमें से बताना है ऐसा कौन सा diazotroph है जो कि photoautotrophic भी है and it is also anaerobic in nature. So among these is rhodospirillum is the diazotroph that is photoautotrophic as well as anaerobic.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सल्फर बैक्टीरिया? अब इसमें से सल्फर बैक्टीरिया है बेजिएटवा, सल्फर बैक्टीरिया है बेजिएटवा। टेटनस डिजीज इज कॉज बाय, टेटनस डिजीज जो है डेट इज कॉज बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो है इट कॉजेज द टेटनस डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस प्रोटीन इफेक्टिव फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट? अब इसमें से हमें बताना है ऐसा कौन सा बैक्टीरियम है जो कि प्रोड्यूस करता है प्रोटीन्स दैट आर वेरी इफेक्टिव फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, यानी बायो इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होता है, ऐसे उसमें प्रोटीन्स होते हैं। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था दैट इज बैसिलस थुरिंजेंसिस, इसका भी आंसर वही है बैसिलस थुरिंजेंसिस। द पैक्टिन डाइजेस्टिंग माइक्रोब यूटिलाइज इन फ्लेक्स और जूट स्टेम दैट इज रेटिंग इज, अब हमें पैक्टिन डाइजेस्टिंग माइक्रोब बताना है जो कि यूज किया जाता है फ्लेक्स या जूट रेटिंग में। अब रेटिंग क्या होती है? रेटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रोटनिंग द स्टेम ऑफ प्लांट इन वाटर टू रिमूव द स्टिकी सब्सटेंस एंड सेपरेट फाइबर्स। सो इसमें जो माइक्रोब यूज किया जाता है दैट इज क्लोस्ट्रीडियम फेल्सिनियम। साइक्लोहेक्सामाइड एक्टिडायन वॉज आइसोलेटेड बाय, साइक्लोहेक्सामाइड जो है ये कहाँ से आइसोलेट किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम? इट वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। सर्कुलर डी एन ए मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन, सर्कुलर डी एन ए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पाए जाते हैं बैक्टीरिया में, क्लोरोप्लास में एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सो करेक्ट आंसर इज सर्कुलर डी एन ए मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग ए पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम, अब इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग ए पीस ऑफ डीएनए, और ये डीएनए का जो पीस है दैट इज टेकन फ्रॉम ए बैक्टीरियम, बैक्टीरिया से लिया गया था ये पीस। द टाइप ऑफ राइबोसोम्स फाउंड इन सर्टेन सेल ऑर्गनल्स ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो फाउंड इन, कुछ राइजोसोम्स ऐसे हैं जो कई सेल ऑर्गनल्स ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं एंड दीज आर ऑल्सो फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन से राइजोसोम्स होते हैं? 70S, और 70S राइजोसोम्स दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रियल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, अब इसमें से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है कॉर्नी बैक्टीरियम, दिस इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल स्ट्रेन टू अनदर थ्रू द एजेंसी ऑफ वायरस इज कॉल्ड एज, जब हम ट्रांसफर करते हैं बैक्टीरिया के जेनेटिक मटीरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में थ्रू द एजेंसी ऑफ वायरस, वायरस की हेल्प से, देन इट इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लाज्मिड, अब प्लाज्मिड के रिगार्ड में ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है गिवन में जो कि फॉल्स है, हमें वो बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटीरियल्स फाउंड इन बैक्टीरियल सेल्स, ये करेक्ट है क्योंकि एक प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटीरियल होते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल्स में मिलते हैं, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। मोस्ट प्लाज्मिड्स कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेल टू सेल बाय इन्फेक्शन विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द डेथ ऑफ होस्ट सेल, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि प्लाज्मिड से ट्रांसमिट किए जा सकते हैं इन्फेक्शन सेल टू सेल जिसमें कि होस्ट सेल की डेथ भी ना हो। देन प्लाज्मिड्स कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट क्रोमोजोम, प्लाज्मिड्स होस्ट क्रोमोजोम में भी इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। प्लाज्मिड्स आर इंटीग्रल बट इनर्ट पार्ट ऑफ जेनेटिक एलिमेंट, दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट क्योंकि प्लाज्मिड्स जो हैं वो इंटीग्रल पार्ट तो है ही है जेनेटिक मटीरियल के, जेनेटिक एलिमेंट के, बट दे आर नॉट इनर्ट पार्ट, दे आर एक्टिव पार्ट ऑफ द जेनेटिक एलिमेंट। हाउ मच टाइम इज टेकन बाय ए एच एफ आर स्ट्रेन ऑफ इकोली टू ट्रांसफर इट्स एंटायर जीनोम टू एफ स्ट्रेन, एच एफ आर स्ट्रेन जो इकोली का है वो कितना टाइम लेगा कि उसको पूरा का पूरा अपना जीनोम ट्रांसफर कर दे वो एफ स्ट्रेन में? इट विल टेक अबाउट 30 मिनट्स। द करेक्टरिस्टिक पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, इसका करेक्टरिस्टिक पिगमेंट है फाइकोसाइनिन।
इन बैक्टीरिया द कंडीशन वेयर ए सिंगल फ्लैजलम इज प्रेजेंट एट वन पोल इज कॉल्ड. अब बैक्टीरिया में जब ऐसी कंडीशन हो कि उसके एक पोल पे एक सिंगल फ्लैजलम हो तो उसे हम बोलते हैं मोनोट्राइकस कंडीशन. मोनो मीन्स वन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. अब हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है दोनों में से. फर्स्ट स्टेटमेंट इज एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज ए सॉयल बैक्टीरियम. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एक सॉयल बैक्टीरिया है. इट इज़ फाउंड इन सॉयल. TIRI प्लाज्मिड्स यूज्ड एज क्लोनिंग वैक्टर्स फॉर हायर प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस. अब ये स्टेटमेंट के में क्या बताया जा रहा है कि TIRI और RI प्लाज्मिड्स जो हैं विच आर यूज एज क्लोनिंग वैक्टर्स फॉर हायर प्लांट्स ये हमें मिलते हैं एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस से. तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि ये हमें एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस से ही मिलते हैं TIRI एंड RI प्लाज्मिड्स. सो अमंग दीज बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. सो करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2. That's all for today. If you found this video useful, then please like, share and subscribe. Rest of the questions I will discuss in next video. Until next time, goodbye.